ना वी आर गोइंग टू सी अबाउट करविंग ट्राइविंग जो ट्रैफिक पैटर्न है उस ट्रैफिक पैटर्न के क्या एडवांटेजेज हैं क्या डिसएडवाटेजेज हैं बिकॉज आपके स्टोर के अंदर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस थे हमने डिस्कस किए ना वी आर गोइंग टू सी कि वो अब जो कर्व मैथड है उसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिस एडवांटेजेज हैं टू अ रिटेल स्टोर तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज की मत में हमारे पास की जाती है दैट इज़ एन्वायॉयरमेंट जो स्टोर का है एटमोसफियर वो फ्रेंडली रहता है शॉपर को बहुत ज़्यादा रश फील नहीं होता स्टोर के अंदर और कस्टमर जो है वो इनक्रेज करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्टोर में चला जाए और स्टोर के अंदर शॉपिंग कर सके फिर इस तरह के केसेस के अंदर जो या जो इम्पल्स बाइंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रेज होती है सो वन ऑफ़ दी कोर एडवांटेजेस जो कि रिटेलर को इससे मिलता है वो ये है कि इम्पल्स परचेज जो है वो इनक्रेज होती है हाउएवर इस मैथड के कुछ डिसएडवाटेजेज भी हैं uh, सबसे पहले कस्टमर के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब हम ग्रिड uh, आयरन की बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो कस्टमर क्योंकि डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट मूव हो रहा होता है तो उसको आइडिया होता है कि अगर इफ़ आई एम इन ग्रॉसरी तो मुझे ग्रॉसरी से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगी जबकि कफ फ्लो के अंदर आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन कैटेगराइजेशन के बजाय इट इज़ मोर ऑफ अ फ्री फ्लो तो कस्टमर के लिए कन्फ्यूजन होती है फ्लोर एरिया वेस्ट होता है जो स्पेस है वो वेस्ट होती है क्योंकि यू हैव टू गिव मोर स्पेस टू द वॉक वॉक इन कस्टमर्स डिफ़िकल्टी इन इन्वेंट्री कंट्रोल लेबर कॉस्ट जो है लेबर की इंटेंसिटी जो है वो हाई होती है uh, फिर इसके बाद पोटेंशियल लॉइटरिंग uh, आपकी बहुत ज़्यादा है और डिस्प्ले में कॉस्ट मोर क्योंकि ऑफकोर्स कस्टमर को आप एक कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू हैव कस्टमाइज डिस्प्ले अवेलेबल जबकि स्ट्रेट लाइन के अंदर देर आर स्ट्रेट ट्रैक्स अवेलेबल फॉर एवरी एवरी कस्टमर फॉर एवरी रिटेलर हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज हैं फॉर डिटर्मिनंग स्पेस नीड्स क्योंकि हमने बात की कि हमने uh, किस स्पेस नीड को कैसे एफिशेंटली यूज़ करना है किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है तो दो अप्रोच हमारे पास सामने आती हैं एक मॉडल स्टॉक अप्रोच है और दूसरी सेल प्रोडक्टिविटी uh, रेशो अप्रोच है तो सबसे पहली हम बात करेंगे मॉडल स्टॉक अप्रोच की सो so, जो मॉडल स्टॉक अप्रोच है वो डिटर्मिन करती है फ्लोर स्पेस नेसेसरी टू कैरी एंड डिस्प्ले प्रॉपर मर्चेंडाइज असॉटमेंट तो अगर स्टोर में स्टॉक uh, को देखते हुए असॉटमेंट को देखते हुए मर्चेंडाइज को देखते हुए आप फ्लोर स्पेस प्लान करेंगे तो इट इज मॉडल स्टॉक अप्रोच जबकि दूसरी तरफ अगर आप स्टोर के अंदर जो फ्लोर स्पेस है वो मर्चेंडाइज को उतनी असाइन करें जितनी पर स्क्यर फिट प्रॉफिटेबिलिटी या पर स्क्यर फिट सेल्स वो जनरेट कर रहा है प्रोडक्टिविटी वो जनरेट कर रहा है उसकी बेसिस के ऊपर तो सेल प्रोडक्टिविटी रेशो के अंदर इस मेथड के अंदर इस अप्रोच के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं एरिया प्रोडक्टिविटी और वो एरिया प्रोडक्टिविटी हेल्प करती है हमें डिसीजन लेने में कि हमने कितनी फ्लोर स्पेस एलोकेट करनी है किसी भी एक काम के लिए अगर हम बात करते हैं इंटीरियर के हवाले से तो क्योंकि ये वन ऑफ दी प्रस्पेक्टिव है स्टोर एटमोसफेयर का जिसने रिटेल इमेज की बेहतरी की तरफ जाना है रिटेल इमेज की बेहतरी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है तो उसके पॉइंट्स को क्विकली हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला पार्ट उसके अंदर है असॉटमेंट का डिस्प्ले सो so, स्टोर के इंटीरियर के अंदर जो मेजर बात है वो स्टॉक का डिस्प्ले है असॉटमेंट का डिस्प्ले है इफ़ दी स्टॉक एंड मर्चेंडाइज एंड असॉटमेंट इज नॉट प्रॉपरली डिस्प्लेड इसका मतलब यह है कि जो इंटीरियर ऑफ द स्टोर है वो वो एटमोसफियर नहीं दे रहा जिससे कस्टमर के लिए एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो इसी तरीके से थीम सेटिंग डिस्प्ले नॉर्मली स्टोर्स के अंदर द प्रैक्टिस शुड बी कि यू शुड हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर थीम बेशक वो थीम बाय कलर हो बेशक वो थीम बाय साइज़ हो बेशक वो थीम बाय एनी पैरामीटर हो लेकिन आपको एक थीम को फॉलो करना है अगर आप समझते हैं कि आप इंटीरियर की बहुत एलिगेंट किस्म के लुक दें अट्रैक्टिव किस्म के लुक दें क्योंकि द मोर अट्रैक्शन यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर योर कस्टमर अल्टीमेटली कस्टमर विल बी इनकरेज टू स्पेंड मोर देन रैक डिस्प्ले किस तरीके से आपने रैक्स का डिस्प्ले करना है किस तरीके से आपने केसेस का डिस्प्ले करना है किस तरीके से आपने कट केस करना है फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अक्सर औकात के कार्टन डिस्प्ले होते हैं देन कार्टन को कट करके उसको डिस्प्ले किया जाता है दैट इज कट डिस्प्ले फिर डम बिन कितनी ज़्यादा आपने यूज़ करनी है फॉर द डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट मेजरली डम बिन आर यूज आपके पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जहाँ पर कस्टमर uh, के पास uh, को आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि एज क्विकली एज़ पॉसिबल आप उसको चाहते हैं कि वो वहाँ से बाय कर ले इम्पल्स बाइंग कर ले और वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सके फिर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की क्योंकि जिस तरीके से हमने स्टोर के फिजिकल स्टोर के इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात की इसी तरीके से एक ऑनलाइन स्टोर का स्टोर फ्रंट जो है इट इज़ ऑल्सो गिव अ वेरी गुड एंड क्लियर इमेज फॉर द रिटेलर क्योंकि रिटेलर का इमेज बेशक वो फिजिकल स्टोर है बेशक वो नॉन फिजिकल स्टोर है वर्चुअल स्टोर है दोनों सूरतों में स्टोर का फ्रंट हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास कॉस्को की है विच इज़ वन ऑफ द टॉप स्टोर्स तो कॉस्को का ऑनलाइन स्टोर फ्रंट वेरी क्लियर वेरी ट्रांसपेरेंट अगर आप देखते हैं प्रोडक्ट जो की ऑफर्स हैं दे आर डिस्प्लेड हेयर जिस तरीके से फिजिकल स्टोर के अंदर होता है कि एज यू विल एंटर इन टू द स्टोर द फर्स्ट थिंग यू शुड सी आर द की ऑफर्स ताकि आपको पता लगेगा देर इज अ जूस इनसाइड द स्टोर फिर व्हाट्स एवर स्टोर इज ऑफरिंग बाई डिपार्टमेंट इज मैं एंड सो एंड सो तो आपके पास वो तमाम ऑप्शन अगर आप सर्च करना चाहते हैं यू कैन ईजिली सर्च द प्रोडक्ट तो स्टोर फ्रंट की एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया है दिस विल ऑफ कोर्स इंक्रीज कस्टमर इमेज कस्टमर पैटर्न टूवर्ड्स द रिटेल इमेज ऑफ द स्टोर दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द रिटेल स्टोर ऑनलाइन स्टोर कंसीडरेशन जब भी हम लेते हैं तो हमारे पास उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कोर्स कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं तो सबसे पहली uh, बात सबसे पहला एडवांटेज जो किसी ऑनलाइन स्टोर के केस के अंदर हमारे पास होता है वो ये है कि अनलिमिटेड स्पेस टू प्रेजेंट प्रोडक्ट असॉटमेंट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज मच एज इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट टू डिस्प्ले एज मच प्रोडक्ट्स यू वॉन्ट टू शो एज मच असॉटमेंट यू वॉन्ट टू शो यू कैन डिस्प्ले दैट क्योंकि फिजिकल असॉटमेंट आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं इसीलिए देर इज नो चांसेस ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एक्सपायरी ऑफ इन्वेंट्री क्योंकि वो डिस्प्ले के ऊपर आपने ज्यादा लगा दी तो so, जितनी ज्यादा आर्टिकल्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं यू कैन मेक इट ये ऑनलाइन के अंदर यू हैव द फैसिलिटी देन कस्टमाइजेशन इज पॉसिबल किसी भी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए जिस तरह डेल uh, की एग्जाम्पल मैंने कोट uh, की थी अपनी चंद लास्ट uh, लेक्चर्स के अंदर भी कि डेल जिस तरह से कस्टमाइज प्रोडक्ट अपनी कस्टमर्स को ऑफर करता है तो इसी तरीके से कोई भी ऑनलाइन स्टोर कस्टमाइज सर्विसेज ऑफर कर सकता है ऑनलाइन स्टोर कैन बी मोडिफाइड इजीली अपग्रेड बहुत आसानी से हो सकता है इम्प्रूव बहुत आसानी से हो सकता है फिर क्रॉस मर्चेंडाइजिंग को इम्पल्स परचेज को भी ऑनलाइन के थ्रू यू कैन इनक्रेज और लास्ट पार्ट हमारे पास है इट इज़ वेरी ईजी कस्टमर किसी भी टाइम के ऊपर कितने मर्जी टाइम के अंदर स्टोर के अंदर एंटर स्टोर के अंदर एग्जिट बड़े आसानी से कर सकता है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं uh, सबसे पहले कैन बी स्लो फॉर डायलब शॉपर्स अगर आपके पास इशू है इंटरनेट कनेक्शंस के सो इट कैन बी अ बिग क्वेश्चन मार्क कॉम्पलेक्स भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द आई टी और द टेक्नोलॉजी इट वुड बी अ कॉम्प्लेक्स फॉर थिंग फॉर यू और कैन नॉट डिस्प्ले थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एज वेल तो स्टोर के अंदर यू कैन सी ऑल थ्री डायमेंशनल फोर डायमेंशन ऑफ द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट जबकि ऑनलाइन के अंदर यू ओनली हैव द चांस टू सी वन डायमेंशन और मैक्सिमम टू डायमेंशनस फिर कॉन्स्टेंट अपडेट रिक्वायर्ड है ऐसा नहीं है कि आप एक दफा प्रोडक्ट अपडेट कर दें और अब उसके बाद यू डोंट नीड टू अपडेट इट यू नीड टू अपडेट इट वेरी फ्रीक्वेंटली और मोर लाइकली टू बी एग्जिटेड विदाउट परचेज ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि कस्टमर जो है वो बाइंग किए बगैर ही आपके स्टोर से क्विट कर गए जबकि फिजिकल केस के अंदर ऐसा कम ऑब्जर्व होता है कस्टमर आए हैं तो एटलीस्ट दे विल बाय समथिंग एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ ऑनलाइन रिटेलर इज़ मेकिंग और अ फिजिकल स्टोर किस तरीके से शॉपिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्लेजेंट कर रहा है दे ट्राई टू क्रिएट हंगर दे ट्राई टू क्रिएट थर्स्ट फॉर द कस्टमर ताकि कस्टमर जो है वो आए और आके आपके पास से प्रोडक्ट्स को बाई करें शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के हवाले से एक और एग्जाम्पल जिस तरह हम बात करते हैं कि शॉपिंग कार्ट की है वो स्ट्रॉली की है जो कि आपको यहाँ पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है ये वो कार्ट है जिसमें नॉर्मली कस्टमर बाय करता है लेटेस्ट अगर मैं बात करता हूँ नाव दिस कार्ट नाव दिस ट्रॉली हैज द फेसिलिटी ऑफ द बारकोट हैज द फैसिलिटी ऑफ द प्राइस चेकिंग हैव द फैसिलिटी ऑफ द बिलिंग इवन सो एज यू विल एंटर द प्रोडक्ट इन टू योर ट्रॉली इन टू योर कार्ट यू विल गेट टू नो दाउ मच शॉपिंग ऑलरेडी डन इट तो ये इज इंक्रीजिंग दिस दिस कार्ट रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनहैंसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस और इज इंक्रीजिंग डे बाई डे बिकॉज द कस्टमर इज़ गेटिंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम इमीजिएटली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर कि वो क्या बाय करना चाह रहा है क्यों बाय कर रहा है और अभी तक उसकी इन्वॉइस साइज कितना हो चुका है